विश्व संवाद केंद्र द्वारा पानीपत के आर्य कॉलेज में राष्ट्र निर्माण में मीडिया की भूमिका विषय पर एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। विचार गोष्ठी में मुख्य अतिथि के तौर पर डीएसपी सतीश वत्स ने व मुख्य वक्ता के तौर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह प्रांत प्रचारक प्रमुख राजेश कुमार ने सहभागिता की। कार्यक्रम की अध्यक्षता बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुनील गुप्ता ने की। कार्यक्रम में पानीपत के सभी पत्रकार विशेष रूप से उपस्थित रहे। रमा के पास भी पहुंच जाते हैं और उतनी सहजता से उमा के पास भी पहुंच जाते हैं, कहीं मना नहीं है। यानी कितने निष्पक्ष है उनकी निष्पक्षता का आप देखिए। कहीं कहीं लक्ष्मी विष्णु जी की शिकायत कर रही है नारद जी को, और कहीं कहीं विष्णु जी शिकायत कर रहे हैं, और वो निष्पक्षता के साथ जो ठीक है और उसको समाज के सामने अपमान भी सकते हैं। समय कालांतर बदला, समय बदला, युग बदले, मीडिया बदला, लोग बदले, समाज बदला। आजादी हम गुलाम हुए, हमारा देश गुलाम हुआ। आज़ादी में हमारे देश में सकारात्मक भूमिका का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जितने भी वरिष्ठ नेता थे, जितने भी क्रांतिकारी थे हमारे, जो माननीय सम्माननीय हैं आज भी, महात्मा गांधी की बात करें, बाल गंगाधर तिलक की बात करें, अखबारों के माध्यम से ही इन लोगों ने अपने संदेश एक एक जन तक पहुँचाए, एक एक व्यक्ति तक पहुंचाए और एक वैचारिक क्रांति को जन्म दिया, जिसकी वजह से आज हम स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं। न्यूज़पेपर शुरू किया अपने विचार लोगों तक पहुंचाने के साथ लिए। उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें बढ़ती गई, एक वैचारिक क्रांति पूरे विश्व में अहिंसा के रूप में महात्मा गांधी जी का नाम लिया जाता है, और उन्होंने उस संदेश को पूरे विश्व को पहुंचाया, और कहीं ना कहीं एक उस विचार से कहीं ना कहीं अंग्रेज भयभीत हुए और उन्हें हमारा मुल्क छोड़कर जाना पड़ा। कि आज ये मिशन था मीडिया का, जर्नलिज्म का, कि आज़ादी लानी। आज़ादी के बाद परिस्थितियाँ बदली, चुनौतियां बहुत आ गई, क्योंकि जब आज़ाद हुए तो हमें ही सब कुछ करना था अपने देश के लिए, हमारे वरिष्ठ नेताओं को ही बहुत कुछ करना था। इस फेज में कहीं ना कहीं प्रोफेशनलिज्म एंटर हो गया, मिशन और प्रोफेशनलिज्म। जर्नलिज्म मिशन था, जर्नलिज्म और प्रोफेशनलिज्म दोनों मिक्स हुए। आज पत्रकार 20 साल का करियर है मेरा, और जैसे बताया बहुत दूर तक घूमा, बहुत 2-3 राज्यों में भी जाके घूम के पत्रकारिता करके आ चुका हूँ। पत्रकारिता के स्वरूप से बहुत अच्छे से वाकिफ हूँ, शुरू से प्रिंट मीडिया में रहा हूँ। मैंने दौर बदलते देखे, 360 एंगल पर सब कुछ बदल गया है मीडिया में। सिर्फ जो प्रिंट की पत्रकारिता थी, फैक्स था, फैक्स से कंप्यूटर पे आए, कंप्यूटर से एफटीपी पे आए, एफटीपी से मतलब कंप्यूटर के माध्यम से फोटोज तक भेजने लगे। ये घना जी ने बताया कि टेक्नोलॉजी इतनी आ गई कि हम लाइव दे रहे हैं, और है भी सरकार द्वारा कार्यक्रम, केंद्र सरकार द्वारा कार्यक्रम लॉन्च किए गए महिला सुरक्षा को लेकर और उसको लेकर, उसको जन जन तक पहुँचाने का कार्य हम लोगों ने किया। कि आने वाला समय जल संरक्षण को लेकर के जल की दृष्टि से बड़ा संकट वाला रहने वाला है, तो बैठे बैठे मन में आया, और मैं जिन बातों के ऊपर स्वयं चलता हूँ, मैंने एक आह्वान किया कि मैं तीन बातें ये सब नागरिक यदि अपने जीवन में संकल्प के रूप में ले लें तो निश्चित तौर पे आने वाली जो जल संकट है उससे हम पार पा सकते हैं। पहली बात मैंने कही, आधा जल गिलास यानी आधा गिलास पानी का पीने के लिए मेहमानों को देना, स्वयं भी लेना, मांगने पर दोबारा देना। दूसरा मैंने कहा एक बाल्टी पानी में ही नहाना, टूंटी चला करके नहीं नहाना, बाल्टी पानी भर के उसके बाद ही हम नहाने के लिए करें, ताकि कम से कम पानी उपयोग में आए। और तीसरा मैंने आग्रह किया एक पेड़ ये हम स्वयं लगाएं और उसका संरक्षण करें, उसका पालन पोषण करें, ताकि अपने बच्चों को, आने वाली संतति को, आने वाली जनसंख्या को, आबादी को हम एक सुरक्षित भविष्य दे सकें, जो जिनको जल संकट से जूझना ना पड़े। थैंक यू।